अगर ये सुमित्रा रिश्ता तोड़ सकती है तो जोड़ भी सकती है। क्या हुआ सुमित्रा जी, आपने मुझे सोसाइटी के हॉल में ऐसा बुलाया? सुमित्रा जी, मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? ये देख शर्वर्य, कुछ बोलने से पहले सबसे पहले मैं सॉरी कहती हूँ। उरी बाबा, ये क्या कर रहे हो आप? हाथ नीचे कीजिए। करने दे, जो कर रही हूँ करने दे। देखो शर्वर्य, मुझे पता है तुम अभिजीत से प्यार करती हो। मुझे क्या, बल्कि पूरी सोसाइटी पूरे देश को पता है तुझे अभिजीत से कितना प्यार है, और वो भी तुझे कितना प्यार करता है। और वैलेंटाइन के वीक तो देखा ही हमने दोनों का, पर तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, होता है रिजेक्ट रिजेक्ट, पर उसके बाद जो जो हुआ और जिस जिस सिचुएशन से सब गए, वो काफी दर्दनाक था तुम लोगों के लिए। मुझे मजे आ रहे थे पर तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं था। मैंने मेरे मजे लिया, पर अभी ना जो कुछ भी हुआ उसको मैं जब देख रही हूँ पीछे मुड़ के, तो मुझे जरा नहीं, बहुत बुरा लग रहा है। देखो मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, मुझे मारना मत बात। ये जो शीला अभिजीत की शादी हुई, मरना मत, वो मेरी वजह से ही हुई। कि मैंने ही वो क्लिप बनाया था और नाटक करके ऐसा दिखा कि अभिजीत शीला वो बहुत बड़ी कहानी है, बताने बैठ गई तो 4-5 घंटे नहीं 4-5 दिन जाएंगे, पर कहानी की असली विलन मैं हूँ। मैंने तुम दोनों का रिश्ता तोड़ा। प्लीज मुझे हो सके तो माफ कर देना, मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। मैं तो चाहती थी सबको मजे आए मजे आए, मजे मजे के चक्कर में 3 लोगों की जिंदगियों के साथ में खेल गए। प्लीज शर्वर मारना मत, माफ कर देना, पर मुझे मैं कुछ बुरा नहीं चाहती हूँ। मैं ना ये रिश्ता तुम दोनों का एक बार फिर से करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। शर्वर मेरे वजह से टूटे ना, मैं करूंगी सारा खर्च, फिर से एक बार शादी होगी तेरे और अभिजीत के। देखिए सुमित्रा जी, अभी कोई शादी नहीं होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, जो जो हुआ आपने मुझे सच सच सब कुछ बता दिया, पर इस कहानी की विलन आप नहीं हो। क्या आपको लग रहा है ना कि आपने सब किया आपकी वजह से सब हुआ? ना, इस कहानी की विलन कोई और है। कौन है विलन? अभिजीत की माँ श्रेया की दादी ने प्लान किया था। शादी वाले दिन श्रेया की दादी के साथ शीला भी मिल गई थी। आखिरी वक्त पे हम अभिजीत की दुल्हन बदलने वाले थे, शीला की जगह मैं बैठने वाली थी, पर तभी क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसे? क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं, और अगर फिर भी तुमने अभिजीत को पाने की कोशिश की तो मैं कभी तुम दोनों को अपना आशीर्वाद नहीं दूंगी, और अभिजीत से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। जैसे ही उन्होंने ये बात की, मेरे मन में एक आवाज आई, जिस बेटे की माँ ही नहीं चाहती मैं उस घर की बहू बनूं, जिस बेटे की माँ ही मेरे रिश्ते को आशीर्वाद नहीं देगी, मेरी वजह से वो हमेशा अपने बेटे से दूर चली जाएगी। जब मैंने ये सोचा तब मुझे लगा ये रिश्ता जोड़ने से अच्छा है इसे होने ही ना थे। अरे पर तुम्हारा प्यार का क्या? सुमित्रा जी, जरूरी नहीं कि हर प्यार को कुछ नाम दिया जाए, कुछ प्यार बिना नाम के भी चल सकते हैं, यही समझ लीजिए। भले हमारे प्यार को कोई नाम नहीं है, पर हमारा प्यार कोई नहीं भूलेगा। शर्वरी अभिजीत ने एक दूसरे से प्यार किया था और बेइंतहा किया था, इसे ना आप भूल सकती हो, ना मैं, ना अभिजीत, ना पूरी सोसाइटी। हमारे प्यार का ये चैप्टर मैं यही बंद कर देना चाहती हूँ, और वापस इसको खोल के नहीं देखना चाहूंगी। मैं अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, बहुत हुआ यह प्यार का चक्कर,
इसकी वजह से ना मैं अपने करियर के ऊपर फोकस कर पा रही हूँ, ना मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है। मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, और इसी की वजह से अभिजीत को मैं इतने दिन टाल दी रही हूँ, और इसी का अंजाम यह होगा। इसमें मेरी भी कहीं ना कहीं गलती है, इसलिए मैं अभिजीत को अब पीछे मुड़ के वापस नहीं देखने वाली। मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। वो भी आगे जाके खुश रहेगा। अभी उसे तकलीफ होगी, पर शीला काफ़ी अच्छी लड़की है, वो उसे अच्छे तरीके से संभालेगी, और मैं अपने करियर के ऊपर फोकस करूँगी। मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और उनका नाम मैं ज़रूर रोशन करूँगी। तो असली विलन मैं नहीं, अभिजीत की माँ है। कितनी चालू औरत है, दिखने में तो एकदम सीधी सादी भोली भाली लगती है, बेचारी ने दो प्यार करने वालों को अलग कर दिया। हेलो शर्मिला, क्या बात है सुमित्रा, आज तो एकदम प्रियंका चोपड़ा दिख रही हो तू। प्रियंका चोपड़ा? थैंक यू मेरे दीपिका। वैसे शीला अभिजीत मुंबई से आने वाले हैं ना आज? हाँ, आज दोनों आने वाले। टैक्सी वाला सारे बैग्स तो लाएगा ना ठीक से? टैक्सी वाले भैया सब सामान लाएंगे, तुम चिंता मत करो। अगो भाई, लो नाम लिया और हाजिर न्यू कपल। शीला कैसी गई ट्रिप? मुझे नहीं लगता अच्छी गई होगी, पार्टी कर रहे होंगे वही पर। बहुत अच्छी रही भाभी। तो वैसे मैं इंतजार कर रही थी तुम दोनों का, कब आओगे कब आओगे, आ जाओ जल्दी ऊपर। हाँ शीला चलो। शीला तो बड़ी खुश दिख रही है, खुश तो होगी, अभी अभी जिजे साथ छपति जो मिला है। हाँ तो बताओ कैसी रही ट्रिप? बहुत अच्छी रही माँ। अरे हमने आपके लिए और ससुर जी के लिए गिफ्ट लाए। हाँ गिफ्ट, किसके क्या जरूरत थे? अभी हम शीला के फैमिली के पास जाते। मेरे मायके वालों के लिए भी लाए गिफ्ट्स। अच्छा, हम उनको देखे आए। हाँ जा जा, ये भी कोई पूछने की बात है, जाके देख रहा। अगो भाई शीला अभिजीत, कौन आया है? शीला अभिजीत आए। शीला को अंदर ले, अभिजीत को भगा। आओ ना। शीला और अभिजीत मुंबई से आने के बाद तो एकदम चेंज से हो गए, दोनों दोस्तों जैसे दिख रहे हैं, हंस रहे एक दूसरे को देख के। मैं जो करना चाहती हूँ वो कर पाऊंगी कि नहीं? वैसे शर्वरी से बात की पर उसने तो मूव ऑन कर दिया। मुझे ऐसा लगता है जो भी हुआ वो अच्छा है, मुझे इसके बीच में पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर फिर से पढ़ूंगी और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा। जो जैसा चल रहा है चलने दो, 2 महीने बाद अगर डाइवोर्स होता है तो फिर मैं अपनी कोमली का चाल खेलूंगी।